कुछ दिनों पहले भाई और यूएफसी के अंदर एक नया फेदरवेट चैंपियन आया इलिया टुपुरिया, और इलिया टुपुरिया के आते ही उसने मल्टीपल टाइम्स ट्रैश टॉकिंग करी है और बड़े बड़े चैंपियंस को कॉल आउट करा है। और इन कॉल आउट्स में यहाँ पर इंक्लूड होते हैं हबीब नुर्मागोमेडोव, जो कि फॉर्मर लाइटवेट चैंपियन थे, और कुछ टाइम पहले उन्होंने यहाँ पर बातें करी थी इस्लाम महाचेव से फाइट करने के लिए। अब यहाँ पर बातें तक तो ठीक था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर ट्रैश टॉकिंग चालू हो गई है इलिया टुपुरिया और इस्लाम महाचेव के बीच में। इस्लाम महाचेव ने इलिया टुपुरिया को शॉर्ट गाय बोल दिया, उसके बाद इलिया टुपुरिया ने इस्लाम महाचेव का जो फर्स्ट और ओनली नॉकआउट लॉस था वो यहाँ पर अपनी स्टोरी पे पोस्ट कर और इस्लाम महाचेव को टैग करा। तो सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि क्या ट्रैश टॉक चल रहा है, क्या ये फाइट हो सकती है, नहीं हो सकती है, और भी यहाँ पर एमएमए न्यूज के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कॉन्टेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। पूरी ट्रैश टॉक के बारे में कैसी चीजें स्टार्ट हुई इसके बारे में मैंने एक और वीडियो बनाया था, और उस वीडियो के अंदर मैंने आप सबको बोला था कि अभी तक इन दोनों के बीच में नॉर्मल चीजें ही बोली जा रही है एक दूसरे को फाइट करने के लिए रेस्पेक्टफुली। लेकिन अब यहां पर एक्चुअल ट्रैश टॉक स्टार्ट हो चुका है इलिया टुपुरिया की तरफ से भी और इस्लाम महाचेव की तरफ से भी। चीजें यहां पर स्टार्ट हुई थी फर्स्ट टाइम जब इलिया टुपुरिया ने अपने इंटरव्यू के अंदर यह बोला था कि वो इस्लाम महाचेव को हराने वाले हैं इन फ्यूचर 2025 के अंदर, वो इस्लाम महाचेव से फाइट करेंगे और जो पाउंड फॉर पाउंड नंबर वन का स्पॉट है वो उनको खुद को चाहिए, इसलिए वो उनको इस्लाम महाचेव को हराना पड़ेगा और तब जाके यहां पर उनको पाउंड फॉर पाउंड नंबर वन का स्पॉट मिलेगा और वो डबल चैंपियन भी बनना चाहते हैं यूएफसी के अंदर। उन्होंने ये सारी चीजें थोड़ी बहुत ट्रैश टॉकिंग वे में बोला होगा, अब उसके बारे में एग्जैक्टली हम यहां पर नहीं बोल सकते क्योंकि ट्रांसलेट इंग्लिश में नॉर्मल चीजें होती है, वो किस सेंस में बोला जाता है ये समझ नहीं आता। और ऑब्वियसली भाई इलिया टुपुरिया इतना बोल रहा है तो उसका रिप्लाई आएगा, और इस्लाम महाचेव ने इलिया टुपुरिया को शॉर्ट गाय बोला और बोला अनदर शॉर्ट गाय इज टॉकिंग एंड अनदर शॉर्ट गाय वॉन्ट्स टू बी स्मैश्ड। और इसका यहां पर मतलब यही था कि उन्होंने वोल्कनोव्स्की को भी पीटा था और अब वो पीटने वाले हैं इलिया टुपुरिया को, क्योंकि इलिया टुपुरिया अपना मुंह चला रहा है। अब इस कमेंट के आने के बाद इस्लाम महाचेव को टैग करते हुए इलिया टुपुरिया ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे उनका नॉकआउट लॉस पोस्ट करा, जो कि उनको काफी साल पहले हुआ था। इस्लाम महाचेव को उनको नॉकआउट लॉस लेना पड़ा था और जो सिंगल लॉस इस्लाम महाचेव के कैरियर में वो वही वाला लॉस उन्होंने पोस्ट करा अपने स्टोरी पे इलिया टुपुरिया ने। और भाई यहाँ पर इस चीज से क्लियर हो जाता है कि इन दोनों के बीच में बैड ब्लड ट्रैश टॉकिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है और आने वाले टाइम में ये एक दूसरे को काफी ज्यादा ट्रैश टॉक करने वाले हैं यहाँ पर यूएफसी के अंदर। यहाँ पर एक चीज देखने वाली होती है कि एमएमए फैंस के अंदर रिसेंसी बायस बहुत ज्यादा होता है। इलिया टुपुरिया ने अभी नॉकआउट लॉस दिया है यहाँ पर, अलेक्जेंडर वोल्कनोव्स्की को हराया, तो उसके काफी सारे फैंस है, वो एकदम अनस्टॉपेबल दिख रहा है। बट यहाँ पर इस्लाम महाचेव एक अलग ही वेट डिवीजन का चैंपियन है, 155 पाउंड डिवीजन एक अलग ही बॉल गेम होता है, ये फेदरवेट डिवीजन नहीं है, इलिया टुपुरिया का खुद का डिवीजन नहीं है। 155 में उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, और जो नॉकआउट लॉस अगर वो पोस्ट कर रहा है और जो उसको लग रहा है कि इस्लाम महाचेव की स्ट्राइकिंग अभी भी वही वाली स्ट्राइकिंग है, वो अपने आप को धोखा ही दे रहा है, क्योंकि इस्लाम महाचेव एक बहुत ही ज्यादा रिफॉर्म्ड फाइटर हो चुका है और उस लॉस से उन्होंने बहुत ज्यादा सीखा है। और अब के टाइम का फाइटर जो इस्लाम महाचेव अब जो फाइट करते हैं वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। और हम सबको पता है भाइयों कि जिस अलेक्जेंडर वोल्कनोव्स्की को इलिया टुपुरिया ने हराया था, उसी अलेक्जेंडर वोल्कनोव्स्की को इस्लाम महाचेव ने फर्स्ट राउंड के अंदर ही नॉकआउट कर दिया था। भले वो शॉर्ट नोटिस के फाइट हो, बट था वो अलेक्जेंडर वोल्कनोव्स्की और फर्स्ट राउंड में उसको फिनिश करना बहुत बड़ी बात होती है। और ये मैं कुछ बायस होकर नहीं कह रहा हूं, क्योंकि इस्लाम महाचेव अभी लिटरली अपने प्राइम में है और इलिया टुपुरिया डेफिनेटली अभी यंग है, यंग फाइटर है। अगर वो इस्लाम महाचेव से इस टाइम पे फाइट करेगा तो उसके पास काफी सारे डिसएडवांटेजेस होंगे। और ये सारी चीजें अभी तक तो हमने सिर्फ स्ट्राइकिंग की बात करी है, और जो एक्चुअल बेस है इस्लाम महाचेव का, उनकी जो दागेस्तानी रेसलिंग है उसके बारे में तो अभी हमने डिस्कस भी नहीं करा है। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले इन करेगी अगर ये फाइट कभी भी होती है। और हम सबको पता है भाइयों कि स्ट्राइकिंग कितनी भी अच्छी हो, लेकिन सामने अगर रेसलर होता है तो एक स्ट्राइकर की स्ट्राइकिंग थोड़ी स्लॉपी हो जाती है, क्योंकि उसके माइंड में चलते रहता है कि टेक डाउन भी हो सकता है वगैरह वगैरह चीजें भी हो सकती है। इस्लाम महाचेव के अगेंस्ट इलिया टुपुरिया अगर फाइट करेगा तो जितनी क्रिस्प उसकी बॉक्सिंग अभी है और जितना एक्यूरेट वो अभी है, वो सारी चीजें थोड़ी बहुत जरूर कम होगी उस फाइट के अंदर। हम सबको पता है कि अभी जो यूएफसी मेक्सिको का इवेंट हुआ था उसके अंदर ब्रायन ऑर्टेगा ने एक बहुत ही अच्छा कमबैक विक्ट्री लिया, और यूएफसी प्रेसिडेंट डेना व्हाइट का भी ये कहना है कि वो ब्रायन ऑर्टेगा अगला फाइटर हो सकता है जो कि इलिया टुपुरिया को फाइट कर सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ब्रायन ऑर्टेगा ने जिस हिसाब की अपनी ब्राजीलियन जिजित्सु दिखाई है वो बहुत ही ज्यादा सॉलिड थी। यायर रॉड्रिगेस को उसने बहुत अच्छी तरीके से टेक डाउन करा। अब पता नहीं इस फाइट के बाद बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यायर रॉड्रिगेस का ग्राउंड गेम नहीं था वगैरह वगैरह, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यायर रॉड्रिगेस ने जॉश एमेट को सबमिट करा था तब वो इंटरिम चैंपियन बना था, तो यायर रॉड्रिगेस पे भी ग्राउंड गेम बहुत अच्छा है। अब वो ब्रायन ऑर्टेगा का जियोजित्सु और उसकी ग्रैपलिंग इतनी ज्यादा अच्छी रहती है कि वो सामने वाले का एक एवरेज जियोजित्सु या अच्छा जियोजित्सु भी होता है उसको भी एकदम डम डाउन करके बहुत ही खराब दिखता है उसके सामने। ऐसा लगता है कि ब्रायन ऑर्टेगा अगर फर्स्ट राउंड का ऑनस्लॉट झेल लेगा इलिया टुपुरिया के अगेंस्ट और अपनी चेन को थोड़ी प्रोटेक्ट करके रखेगा और थोड़ी कॉम्पैक्ट स्ट्राइकिंग करेगा, सेफ स्ट्राइकिंग करेगा, तो डेफिनेटली वो इलिया टुपुरिया को ग्राउंड पे काफी सारी प्रॉब्लम्स दे सकता है, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट ब्राजीलियन जियोजित्सु का प्रैक्टिशनर बोला जाता है ब्रायन ऑर्टेगा यूएफसी के अंदर। अगर समिशन वाइज भी देखा जाए तो चार्ल्स ओलिवेरा के बाद यहां पर फेदरवेट डिवीजन में सबसे ज्यादा समिशन विक्ट्रीज भी ब्रायन ऑर्टेगा के पास ही है, तो ये भी एक काफी अच्छा स्टैट है जो कि उनको बैकअप कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ब्रायन
ओर्टेगा और इलिया टोपुरिया की फाइट डेफिनेटली होनी चाहिए आगे जाके फ्यूचर में। इस बारे में आप सबका क्या ओपिनियन है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।